नदीन्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने उनकी सरकारी सुरक्षा हटाने के बाद प्रदेश की शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सरकार से जान से खतरा बताते हुए कहा है बीजेपी चाहती है कि मैं उनकी सरकार का समर्थन करूं, लेकिन मेरी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जिसके चलते शिवराज सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। वहीं कंप्यूटर बाबा ने यह भी कहा, मैंने नर्मदा नदी में अवैध रेत का खनन रोका है, जिसके चलते मेरी जान को रेत माफियाओं से खतरा है। बाबा ने शिवराज सरकार से सुरक्षा वापस देने की मांग की है। मुझे जो सुरक्षा मिली थी, एक्स श्रेणी सुरक्षा पिछली सरकार ने दी थी, शिवराज सरकार ने वो वापस कर ली है। जन्म मरण यश अपजश ये तो विधाता के हाथ में होता है, ईश्वर के हाथ में होता है, पर आज देश में साधु संतों की कैसी हत्या की जा रही है, दूसरी तरफ अवैध खनन को रोक करके शासन की नीति के अनुसार शासन के मार्गदर्शन पे जो नर्मदा नदियों को बचाने का काम किया, उसके तहत बहुत सारे रेत माफिया हमारे दुश्मन हो गए और हमारे विरोध में बहुत सारे लोग नर्मदा अवैध खनन के तहत उन्होंने मुझे मारने की साजिश की। मुझे